टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टेस्ट सीरीज पे चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरो से लेकर, क्या लिखा है, जीरो से लेकर 108, जीरो से लेकर 108 अंक साथ कितनी बार आता है, अंक साथ कितनी बार, ये क्वेश्चन देखिएगा। चीज बताइए, जीरो ये केवल एक अंक है और यहां पर कितने हैं, 1 2 3 तीन अंक हो गए, तो हम चेक करते हैं एक एक करके। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, ये हो गया चिन्ह डिजिट, इकाई का, ये दहाई का अंक और ये सेट, क्लियर है भाई, तीन ही अंक है, तो हमें चेक करना है कि सात कितनी बार। तो हम शुरुआत करते हैं इकाई के अंक, भाई इकाई के अंक पर यहां पर इस पोजीशन पर सात कितनी बार आएगी, शुरुआत करते हैं जीरो से लेकर और दस तक। देखिएगा जीरो से लेकर दस तक इकाई के अंक पर कितनी बार आ रहा है सात, सिर्फ और सिर्फ एक बार, कहां पर, सात। इसी टाइप से अगर हम 11 से और 20 तक देखेंगे तो कितनी बार आ रहा है इकाई का अंक, एक ही बार आ रहा है 17 में। देखिएगा 17 इकाई का, इकाई की पोजीशन पे साथ है, हम अभी दहाई की पोजीशन पर बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल इकाई, क्लियर है, तो यहां पर 17 में एक बार। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आप चलेंगे तो 21 से कितनी बार आएगा भी? एक बार आएगा, और इसी टाइप से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे हम यहां पर कर रहे हैं 91, यहां पर कितनी बार आएगी इकाई के, एक, और कहां तक पूछा हुआ है 108 तक, इससे आगे चले 101 से 108 कितनी बार आएगी। यहां पर अगर टोटल देखिए तो इकाई के स्थान पर सात कितनी बार, इकाई के स्थान पर सात कितनी बार आ रहा है, ठीक है टोटल करेंगे तो 1 2 3, ठीक है 30 तक 3 बार, 40 तक 4 बार, इसी टाइप से अगर 100 तक करेंगे तो 10 बार हो गए, क्लियर है, और 101 से 108 कितनी बार हो गया, टोटल 11 बार की थी, 11 बार तो हो गए कहां से लेकर इकाई की पोजीशन, क्लियर है, तो यहां पर सात कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दहाई के, अब दहाई के अंक पर देखिएगा 70 से 79 अगर इस कैटेगरी में बात, तो देखिएगा 70 में दहाई के अंक पर, 71 में दहाई के अंक पर, 72 73 इसी टाइप से अगर मैं 79 तक बात करूं दहाई के अंक पर सात आ रहा ही नहीं है, तो यहां पर कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 इस टाइप से कितनी बार आ जाएगा, टोटल कितनी बार आएगा यहां पर, तो यहां पर ही क्या हो गया दहाई के अंक पर बात करेंगे, क्लियर है, और सैकड़े के, सैकड़े पर यहां पर कोई भी सैकड़े का अंक नहीं है, 100 से अगर शुरुआत करेंगे तो 100 के बाद 100 101 102 103 104 कहां तक, 108, इनमें से सात कहीं पर भी नहीं आता इस पोजिशन, क्लियर है, सैकड़ा जो पोजिशन है उसके पोजीशन पर सात कहीं भी नहीं आ रहा है, कहां तक, 108, क्लियर है, तो टोटल कितनी बार आया, 10 बार यहां और 11 बार यहां, टोटल कितनी बार हो गया, ये आपका भाई 0 से लेकर 108 तक जो अंक सात आएगा वो कितनी बार आएगा, क्लियर है भाई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, सिंपल एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्या कहता है 5 से 1/2 प्लस 7 से 3/4 प्लस 8 से 3/5 इनका मान क्या, ये क्वेश्चन है, जैसा हमने पिछली क्लास में किया था वैसा ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, हमने कहा ना आप इनको सोल्व कर सकते हैं, 5 और 10 और 11 11/2 आप लिख सकते हैं, इस टाइप से नहीं करेंगे हम, इसको तोड़ लेते हैं, हम इसको लिखते हैं 5 + 1/2 अगले को 7 + 3/2 अगले को 8 + 3/2 ये रहा, हमें ऐसे लिखना है। अब देखिएगा
जो पूर्ण अंक है 5, 7 और 8, ठीक है भाई, इनको टोटल कर लेंगे 5 और 7 12 और 8, ठीक है भाई। बाकी जो फ्रैक्शन है भिन्न है उनको एक साथ, ठीक है। अब देखिए 20, यहां आपने एलसीएम ले लिया, उनका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, तो 2 चौके 8 4 4 2 8 3 2 6 और ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 6 और 4 10 और 3 13 बटे, क्लियर है भाई, 13 बटे। अब देखिएगा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे को भी फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 का 12 5 बटे, ठीक है। ये कितना हो गया 21 प्लस 5 बटे 12, और अगर आप उसको दोबारा पूरा सॉल्व करेंगे तो 8 21 8 168 प्लस कितना हो जाएगा 173 बटा 8, ये आपका क्लियर है भाई। 173 बटा 8 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ये भी हो सकता है 21 से 5 बटा 8, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या है, ये भी ऑप्शन हो सकता है आप, ठीक है। तो जो ऑप्शन हो उसी के अनुसार आप इसका आंसर दे सकते, क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन क्या है कि एन के किस मान के लिए 4 3 n 9 से की बात चल, इससे भाग हो जाए, आपको n का मान ज्ञात करना है जिसके लिए 4 3 n की पूरी एक संख्या है, किससे भाग हो जाए 9 से। तो 9 से भागफल का नियम क्या कहता है कि अंकों का योगफल, अंकों का योगफल किससे भाग होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहां अगर इनको टोटल करेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस n कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 7 प्लस। अब n का मान क्या रखें, 0 रखेंगे तो 7 और 0 7 नहीं होता है, n का मान 1 7 और 1 8 नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 रखेंगे तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, और ये डिविजिबल किससे है, क्लियर है। तो यहां पर n का मान कितना आ जाएगा भाई आपका 2, तो ये आपका क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दोबारा से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 0.6 × 0.6 × 0.6, ठीक है, प्लस 0.5 × 0.5 × 0.5, ठीक है, बटे में 0.6 × 0.6 प्लस 0.5 × 0.5 − 0.3, और इसकी वैल्यू क्लियर है अभी, इसकी वैल्यू बता। अच्छा देखिए हम मुझे एक चीज बताइए, एक मेरे फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला क्या कहा था कि ए क्यूब प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस, ये फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं ए का मान यहां पर 6.6 तीन बार है, मैंने ए को मान लिया 0.6 और बी को मान लिया 0.,  क्लियर है अभी, तो देखिएगा ए गुणा ए गुणा ए कितना हो जाएगा भाई, ए क्यूब प्लस, ये क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां पर ए गुणा ए ए स्क्वायर, इसी टाइप से बी गुणा बी बी स्क्वायर, तो देखिएगा यहां पर माइनस ए बी अगर गुणा करेंगे 6 को 0.6 को 0.5 से 0.30 आ जाएगा, वही है इनका मल्टीप्लीकेशन ही को लिखा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का, ठीक है भाई। अरे क्लियर है, तो यहां से अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम डिवाइड करें तो ये पोर्शन को अगर इसके नीचे ले आए, नीचे ले आए क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस, यहां पर आपके पास क्या बचना चाहिए, ए प्लस, और ए हमने क्या माना था 0.6, बी माना 0.,
ये आ जाएगा 1.1 आपका, ठीक है भाई, 1.1 आपका क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया, संख्या के 70% हमने मान ली संख्या x, x का 70%, और इसमें से अगर हम 90 घटा दें तो क्या प्राप्त होता है? 100, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या पूछा हुआ है? संख्या, ठीक है, x का 70%, मतलब 70/100 का मतलब होता है गुणा माइनस 90 माइनस, ठीक है। तो यहां से अगर करेंगे तो ये कितना आएगा? 7x/10। अगर 90 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 90 और 120, कितना आ जाएगा भैया? 200, ठीक है। तो अगर हम 7 से कट भी करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, 30 पे जा रहा है। x का मान 10 अगर इधर आएगा तो 30 × 10 कितना आ जाएगा? 300। ये आपका क्लियर है भाई, एक्स हम संख्या मानी थी, ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात, भाई ये हमने पीतल, ठीक है, इसके अंदर दो धातु है, एक तो है तांबा और एक है जस्ता, जस्ते से ही जोड़ता हूं, ठीक है, इनका अनुपात कितना है? 11:11। ये रवि, इनका अनुपात कितना दिया गया है? 11:11। तो कह रहा है 150 ग्राम पीतल, 150 ग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी? ये भाई एक बात बताओ, 150 ग्राम पूछो, 150, ठीक है, तो टोटल अगर देखे तो मुझे बताइए 14 11+14 कितना हो गया भाई? हमारे पास 25 यूनिट है, 25 यूनिट टोटल कितना? 25 यूनिट का मान है 150 ग्राम, एक यूनिट का कितना आ जाएगा? क्लियर है भाई, 100 भाग में 25 कितना आ जाएगा? 6। आपसे पूछा क्या है? तांबे का, मतलब इस 11 का, 11 का मान कितना आ जाएगा? 6 × 11 कितना आ जाएगा भाई? 66। ये आपका क्लियर है भाई, 66 ग्राम आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, प्रथम 8 सम संख्याओं, प्रथम 8 सम संख्या इनका औसत बताना है, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? क्लियर है भाई, सम संख्याएं, सम संख्याएं प्रथम 8 कंसेक्यूटिव कह दी है, मतलब शुरुआत करनी है फर्स्ट प्राइम, फर्स्ट सॉरी इवन, तो पहली प्रथम संख्या सम संख्या है आपकी 2 से शुरुआत, तो इसी प्रकार चलते जाएंगे, तो प्रथम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और भाई 8 संख्याएं होगी, ठीक है। एक बात बताइए, इन सम संख्याओं का औसत निकालो, औसत निकालना है आप क्या कर सकते हो? देखिए लगातार जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनका औसत हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ कितनी है टोटल? ये 8 है, अगर ये 8 है तो बीच वाली दो संख्याएं, बीच वाली दो संख्याएं कितनी है? 8 और 8 और 10, और इनका औसत 8 और 10 कितना? 18, 18/2 कितना आ जाएगा भाई? तो 9 आपका, आप समझ आ गई? देखिएगा अगर संख्याएं कंसेक्यूटिव हो तभी, क्रमागत हो तभी ये अप्लाई, ठीक है, ये 8, अगर मान लो 7 होती तो, 7 होती तो देखो कैसे करते, 7 होती यहां तक होता, ठीक है, तो उस केस में हम हमेशा मिडल नंबर देखते, मिडल नंबर कौन सा होता? 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, क्लियर है, तो मिडल नंबर कौन सा हो गया? 8, उस केस में एवरेज क्या होता, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक राशि पर
दिया हुआ है 2 नोट से, चक्रवर्ती ब्याज सीआई कितना दिया हुआ है भाई 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 205, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा उतने ही समय के लिए, ठीक है। तो आप इसको करने का तरीका देखो, यहां से प्रतिशत हम फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, 5% का मतलब होता है 5/100। अगर आप इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/, देखिए रेट दर जो है बटे में जो आता है ये हमेशा प्रिंसिपल। 5% दर का मतलब है कि 20 रुपए अगर धनराशि लगाई तो 5% 1 साल में उसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 20 रुपए में 5% की दर से जो उसका ब्याज होगा 1 साल का वो कितना होगा, 1, ठीक है। तो मुझे बताइए ये मूलधन है आपका, ठीक है भाई, लेकिन टाइम कितना है 2 साल है। तो मानने के लिए मूलधन को मानने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं 2 साल भाई, 20 का जो स्क्वायर होगा ये हमने मान लिया मूलधन, ठीक है भाई। अब 2 साल है तो 2 लाइन आपने ड्रॉ करी, 1/20, एक बात बताओ 1/20 कितना आ जाएगा, 20, इसका 1/20, ये तो आपका होता है साधारण ब्याज, ठीक है, 20 + 20 = 40। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, इसके ऊपर भी ब्याज लगा, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल आप चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो सीआई टोटल कितना होगा, ये प्लस ये और प्लस ये, यहां से सीआई की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 + 20 + कितना आ गया भाई, 40, क्लियर है। अब सवाल में 41 का मान कितना दिया गया है, 205, ठीक है। एक का मान कितना आ जाएगा, 205/20, कितना आ जाएगा, ये 5 कटेगा, 41 मान कितना होता है 200। हमें पूछा किसका गया है, एसआई, एसआई कितना है भी? हमने यहां लिखा हुआ है 40, 40 का मान कितना आ जाएगा, 5 × 40 कितना आ जाएगा, ये जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, क्लियर है भाई, बात समझ आ गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विक्रेता चावल को 20% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट कितना दे रहा है वो 20%, ठीक है, परंतु वजन करते समय 10% कम वजन का प्रयोग करता है, 10% कम वजन का, देखिएगा चावल 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है चावल बेचते समय, परंतु 10% कम वजन का उपयोग करता है। अब ये जो है 10% कम, इसका मतलब देखिए भाई, ये मैंने मान लिया सी उसका क्रम और ये मान लिया उसका विक्रम। चावल मान लीजिएगा भाई 100 रुपए उसकी कीमत, 100 रुपए उसकी कीमत हटा देगा, ठीक है, 100 रुपए में उसके लिए जो लागत थी 100 रुपए में उसने 1000 ग्राम चावल, कितने ग्राम भाई, 1000 ग्राम, ये उसके लिए उसने उसके ऊपर कितना प्रतिशत लाभ कमाया है, 20%, मतलब कितना बेचा भाई उसने, 120 रुपए, क्लियर है। लेकिन यहां उसने कहा है कि 10% कम वजन का प्रयोग करता है, ऑब्वियसली बेचते समय भाई वो 100 रुपए में कितना ग्राम खरीदा था उसने, क्लियर है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने मान लिया भाई 1000 ग्राम जो चावल की कीमत थी वो कितना था, ये उसका सीपी, क्लियर है। तो 1 ग्राम चावल की कीमत कितनी आ जाएगी, 100/1000, क्लियर है। अब उसने एसपी कितना किया, यहां पर उसने 20% प्रॉफिट भाई 100 में 20%, 120 रुपए में, लेकिन बेचते समय उसने 1000 ग्राम नहीं बेचा, कितना बेचा, 10% कम, तो 1000 का 10% कम कितना हो जाएगा भाई, 200 का, क्लियर है।
उसने खरीदा 1000 ग्राम 100 रुपए में, लेकिन अगर हम उसके एसपी की बात करें तो उसने 900 ग्राम ही बेचा है और कितने रुपए में, 100। क्लियर है यहां पर 120 बटा, ठीक है। अब इसको आप अगर कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 किलो, ठीक है। 3 किया 2, 3 छोड़े, कहने का मतलब क्या है, 1:4, 3 इधर आ जाएगा तो 3:3, कहने का मतलब 3 रुपए की चीज थी कितने में बेची है, 4 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालने के लिए जाएंगे तो 1/3 × 3 कितना हुआ, 33 सही 1/3%, ये उसका एक्चुअल लाभ। कहा कितना है, 20%, जबकि उसको एक्चुअल लाभ कितना हुआ है, 33 सही 1/3। किसकी वजह से, इस कम वजन का उपयोग। क्लियर है भाई, समझ आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, एक व्यक्ति कार को बेचते समय 9% की छूट देता है, 9% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। डिस्काउंट है आपका, ठीक है भैया। यदि वह 5% की छूट दे, मतलब ये डिस्काउंट कौन है, यदि वह 5% की छूट देता है तो उसे 8800 रुपए ज्यादा मिलते, 8800 रुपए ज्यादा मिलते। क्लियर है। और पूछा क्या गया है भाई, पूछा इसमें क्या गया है, इसका अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य अगर ज्ञात करना है तो एक चीज बताइए भाई, डिस्काउंट किस पे होता है हमेशा, अंकित मूल्य पर। तो 100 रुपए की चीज, ये हो गया एमपी और ये हो गया आपका, क्लियर भाई। 100 रुपए की चीज उसके ऊपर एमपी है, उसका अंकित मूल्य कितना डिस्काउंट दिया, 9% का, इसका मतलब कितने में बेचा भाई, 91 रुपए में बेचा, 100 रुपए की चीज 9% डिस्काउंट में, ठीक है। अब कह रहा है यदि वो डिस्काउंट 5% दे, कहने का मतलब एसपी एमपी तो वही है, लेकिन 5% डिस्काउंट का मतलब कितने में बेचे भाई, वो 95, तो कितने रुपए ज्यादा, यहां पर कितने प्राप्त हुए ज्यादा, 4। और सवाल में कह रहा है 4 नहीं भाई, कितने मिले, 8800, ठीक है। 4 का मान कितना, 1 का मान 8800/4 कितना आ जाएगा भाई, 22। क्लियर है, हमें मान किसका पूछा है, इसका अंकित मूल्य, तो यहां पर इसका मान कितना आ जाएगा, 22। क्लियर है भाई, कितना आ जाएगा, 2,20,000 इसका, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेरिमीटर, सॉरी, किसी आयताकार मेज के सतह के ऊपर का परिमाप, आयताकार कोई मेज है उसका टॉप, स्टैच्यू होगा भाई आयताकार मेज, ठीक है भाई, इसका टॉप उसका परिमाप क्या रखा है भाई, अगर हम इसको एल मान लें तो ये क्या होगा, और परिमाप क्या होता है आयत का, 2×L+ में, यही तो होता है, ठीक है। कितना दिया गया है, 34 मीटर है, फिर कहा गया है उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू में बी, 60, तो उसके विकर्ण की लंबाई मीटर में कितनी होगी, विकर्ण हो गया ये, ठीक है भाई, विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, और विकर्ण क्या होता है भाई, अंडर रूट एल प्लस, यही तो होता है आयत के विकर्ण की लंबाई, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ये हरे कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है भाई। एक चीज बताइए, देखो यहां से अगर आप, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, विकर्ण ट्रायंगल से आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखिए अगर दो, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कितना है, 24, अगर मैं 2 से कट कर दूं तो कितना आ जाएगा ये, 17, यहां से एल प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 17, और एल बी कितना है, 7,
तो आप हिट एंड ट्रायल से आप चेक कर सकते हैं कि दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनका योग तो कितना हो 17 और उनका मल्टीप्लाई कितना हो 100। तो दो संख्याएं होती हैं 12 और जिनका योगफल 12 और 5 कितना आएगा 17 और मल्टीप्लाई कितना आएगा 12 5 100। ठीक है, तो अगर ये 12 और ये 5 तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 और क्लियर है भाई। किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो ट्रिपलेट है 5 12 तीसरी भुजा हमेशा तीन हो, तो यहां पर 12 5 तो ये तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी भाई, क्लियर है, तो उसका विकर्ण कितना आ जाएगा 13। ठीक है, यस। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण की दिशा में आगे बढ़ती है, निश्चित बिंदु से, कोई एक निश्चित बिंदु है समकोण की दिशा में, इसका मतलब क्या है कि एक इधर जा रही है तो दूसरी क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री पे जा रही है, ठीक है, चाल कितनी है उनकी, चाल है एक गाड़ी की है 90 किलोमीटर प्रति और दूसरे की है 72 किलोमीटर प्रति, ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है 10 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ध्यान रखिएगा दूरी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ना बना, क्लियर है, दूरी हमेशा स्ट्रेट लाइन, तो ध्यान रखिएगा ये इधर जा रही है और ये इधर, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए समकोण दिशा में जा रही है, तो यहां से भाई अगर हम दूरी निकालेंगे, दूरी क्या होता है हमारे पास स्पीड इनटू में टाइम, ये तो होता है 10 सेकंड, पहले इस दूरी को निकालो, अगर ये दूरी निकालेंगे मान लो मैंने इस बिंदु को मान लिया ए, ये हो गया ए बी और ये हो गया ए, 10 सेकंड के बाद ये बी पर पहुंच गई है ये गाड़ी और ये गाड़ी पहुंच गई है सी पर, तो अगर मैं ए बी ए सी निकालूं तो स्पीड कितनी है भाई और टाइम 10 सेकंड है भाई, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 और इनटू 10 सेकंड 18 5 25 तो कितना हो जाएगा 250 मीटर, मतलब इसने दूरी कितनी तय करी 250, ठीक है भाई, अगर हम इस दूरी की बात करें ए बी तो ये हो जाएगा स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 10 सेकंड 5 18 4 72 4 5 20 ये कितना आ जाएगा 200, क्लियर है, ये कितनी दूरी होगी 200, ये 250 ये 200, अब इनके बीच की दूरी कौन सी होगी भाई, जो ये है तो आपको ये इसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसी क्या होगी, आप यहां पर अगर बीसी देखेंगे बीसी होगा एसी का स्क्वायर पाइथागोरस का प्रमेय इनटू में एबी का स्क्वायर एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर और उनका, ठीक है, यहां पर अगर एसी स्क्वायर एसी कितना है 250 250 का स्क्वायर भाई 25 का स्क्वायर 600 कितने ही हो जाएगा और एबी 200, क्लियर है, 2 का स्क्वायर 4 और तो अगर ये कितना आ जाएगा 1025, ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे, देखो उसको तोड़ लें तो ज्यादा बेहतर है भाई, परफेक्ट स्क्वायर जिसका बताओ उसी संख्या में हम उसको तोड़ते हैं, देखिए 1025 इनटू में 100, ठीक है, और अगर इसको तोड़ेंगे तो ये 25 के मल्टीपल में तोड़ते हैं क्योंकि 25 का स्क्वायर कंप्लीट होगा स्क्वायर, तो यहां पर देखो 25 अगर हम अलग लिखते हैं ये बचेगा 25 चौके 100 और ये बचेगा 41, क्लियर है, ये हमने, ठीक है, तो आप अगर इसको लिखेंगे कितना आ जाएगा, देखो 25 का 5 और 100 का अंदर हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 50 अंडर रूट 41, ठीक है भाई, ये आपका आंसर।
आंसर आ जाएगा 50 अंडर रूट 41। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 24 लड़के 24 16 दिन में काम पूरा करते हैं, कितने दिन में भाई? 16 20 दिन। तो पूछा क्या है, 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा कार्य और समय का क्वेश्चन है। कार्य क्या होता है भाई, अगर सिंपल सा मैं ये भी लिखूं, कार्य भाई एम गुणा में, एम मतलब मैन आदमी, ठीक है, डी गुणा में, ठीक है भाई। एक बात बताओ कितने लड़के हैं, 24, कितने दिन में कर रहे हैं, 16। ये आपके पास कार्य हो गया, ठीक है। अब इसी कार्य को 8 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे, अरे तो भाई 8 लड़के कितने दिन, और कार्य कौन सा है ये 24 गुणा, ठीक है, यहां से कर सकते हैं 8 के बाद 8 दुनी ये कितना आएगा, 24 दुनी कितना दिन में करेंगे, ठीक है भाई। तो इसी के साथ ही ये आपका टेस्ट कंप्लीट होता है टेस्ट का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।